72 घंटों में अदवियात की कीमतों को पुरानी सतह पर वापस लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म का अदवियात की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को कार्रवाई की हदायत भी जारी की हैं। इसी पर मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, आज बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अदवियात की कीमतों में इजाफा है इस पर बरहमी का इजहार किया है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से जो इजाफा किया गया है इस पर सख्त रद्दमल जाहिर किया है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब को यह हदायत की गई है कि जो अदवियात बढ़ाने वाली कंपनियां हैं और जो अदारे हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और अदवियात की कीमतों को 72 घंटों के अंदर पुरानी सतह पर लाया जाए, क्योंकि जो आज खुद कीमतों में इजाफा किया गया है इससे जो मरीज हैं और गरीब लोग हैं इंतहाई मुतासर हो रहे हैं। इसलिए ऐसे अनासर जो कि आज खुद अदवियात की कीमतें बढ़ा रहे हैं उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ठीक है, लियाकत अंसारी ये भी बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब काबीना अराकीन का इजलास तलब किया है। अब बिल्कुल वज़ीर आज़म ने जो है वो उनके शेड्यूल में शामिल नहीं था पहले से, लेकिन अब उन्होंने पंजाब काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है जो 3 से 3:15 बजे के दरमियान मुनक़द होगा। उसमें बुनियादी तौर पर जो बलदियाती निज़ाम है नया उसके हवाले से अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुमकिन है कि अगर हतमी मुसवदे पर आज इतफाक हो जाता है पंजाब काबीना में तो फिर इस काबीना से मंजूरी भी उस मुसवदे की हासिल कर ली जाए और उसके बाद पंजाब असम्बली में जो है उसको मंजूरी के लिए लाया जाएगा। बहरहाल आज काबीना को नए बलदियाती निज़ाम के हवाले से जो मुसवदा है उस पर ब्रीफ किया जाएगा। दो रोज़ कबल इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म को इस बलदियाती निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी और वज़ीर आज़म ने इस पर असूल इत्तफाक किया था। जी बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी।